नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रेलवे स्टेशन की भीड़ ने ली महिला यात्री की जान, पुलिस कर्मचारी से मारपीट, 1,12,000 का माल लुढ़ाया। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्टेशन पर रविवार सुबह 11:10 पर प्लेटफॉर्म 2 से चल रही ट्रेन दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में एक 34 वर्षीय महिला यात्री चढ़ने के प्रयास में गिर पड़ी। गिरने के बाद महिला के सीने और कंधे में अंदरूनी चोटें लगने से 2 घंटे बाद सविता ने मेवो में दम तोड़ दिया। सफर के दौरान उसके साथ 7 और 10 वर्ष के 2 मासूम बच्चे भी थे। देखते ही देखते दोनों बच्चे ने अपनी मां को खो दिया। पहली बार में यह घटना भारतीय रेलवे स्टेशनों पर होने वाली आम बात नजर आती है। साथ ही घटना का जिम्मेदार भी सविता को ही कहा जाएगा, क्योंकि वह चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। लेकिन वाकई इस दुर्घटना की जिम्मेदार सविता ही थी या फिर यात्रियों की भीड़ से भरी ट्रेन थी जिसमें एक साथ कई लोग दरवाजे पर खड़े होकर सफर कर रहे थे, या फिर रेलवे जो कोविड काल में कंफर्म टिकट पर ही सफर के नियमों का स्वयं ही पालन नहीं कर पा रही है। दूसरी खबर, सीतावर्डी थाने के तहत भोले पेट्रोल पंप के पास विवाद छुड़ाने पहुंचे पुलिस कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। यह घटना रविवार को शाम 6 बजे हुई। आरोपी धर्मपेट गौलीपुरा निवासी विनोद अमरनाथ उइके फरियादी पुलिस सिपाही शैलेंद्र ठाकुर सीतावर्डी स्टेशन में कार्यरत हैं। पुलिस कर्मी ठाकुर को नियंत्रण कक्ष से भोले पेट्रोल पंप के पास फुटपाथ पर कुछ लोगों के बीच विवाद शुरू होने की सूचना मिली थी। पुलिस कर्मी ने घटनास्थल पहुंचकर विवाद करने वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी विनोद पुलिस कर्मचारी से ही उलझते हुए उससे मारपीट शुरू कर दी। कर्मचारी की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाकर सरकारी काम में बाधा डाली। शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मारपीट व सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। तीसरी खबर, हुड़केश्वर थाना अंतर्गत अज्ञात चोरों ने एक बंद घर से सोने चांदी के गहने समेत 1,12,000 रुपए का माल चुरा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जूना सूबेदार लेआउट निवासी वसंत रामकृष्ण जावेकर घर पर ताला लगाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ जन्मदिन कार्यक्रम में गए थे। इसी बीच किसी ने मुख्य द्वार का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और अलमारी से सोने चांदी के गहने समेत 1,12,000 रुपए का माल चुरा लिया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।